हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? मौज में सभी मस्त? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को, है ना? जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो क्लास इलेवेंथ के बच्चों के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको काफ़ी जगह नहीं मिलेगा, काफ़ी बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है, तो एक चीज़ बहुत आसान सा है वैसे। चलो टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ का तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई कुछ एटम्स स्टेबल होते हैं, अपने आप ना रेडिएशंस वगैरह नहीं छोड़ते हैं। कुछ एटम्स, अभी कुछ एक वीडियो पहले मैंने बताया आपको, रेडियो एक्टिविटी वाला जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने आप रेडिएशंस छोड़ते हैं, जिसको जिस प्रॉपर्टी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंस होते हैं, किस तरह के एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बात है, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स विद प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के रेशियो से हमें पता लगता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबल न्यूक्लियस की जब बात करते हैं तो वहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 के आसपास रहना चाहिए। 1 है तो बहुत अच्छी बात है, 1 से ज़्यादा है थोड़ा बहुत तो भी चल जाता है, लेकिन वो स्टेबल रहता है। और अनस्टेबल न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो वो है 1.5 या और मोर, 1.5 है उससे ज़्यादा है यदि रेशियो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, तो फिर हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा और रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग अटोमिक नंबर 83 आर रेडियो एक्टिव, उसमें ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 या उससे ज़्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जब हम रेशियो निकालते हैं न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का, तो वो आता है 20-20 हमारा, यानी कि 1, ये स्टेबल न्यूक्लियस है। इसी तरह से यूरेनियम में 235 एटॉमिक मास इसका, तो यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो जब लेंगे 235/92, तो ये रेशियो हमारा आता है 1.55। तो क्या हो गया, ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत आसान है कौन एलिमेंट या कब कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा और कब तक स्टेबल रहेगा, वो डिपेंड करेगा रेशियो प्रोटॉन विद न्यूट्रॉन। तो 1 यदि रेशियो आ रहा है तो स्टेबल, और 1.5 या उससे ज़्यादा आ रहा है यदि न्यूट्रॉन का रेशियो प्रोटॉन के साथ, तब हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव हो जाता है। चलिए, ओके, थैंक यू।